इस प्रोजेक्ट में हमने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है जिसके थ्रू हम SMS के थ्रू अपने इस स्टेपर मोटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन एज वेल एज इसकी स्पीड हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं बाई सेंडिंग जस्ट वन SMS बाई द मोबाइल। इसके लिए हमें SMS सेंड करना होता है, ये जो मोडेम है इसमें एक सिम लगा है, उस नंबर पे हमें SMS सेंड करना है। SMS सेंड करने का जो फॉर्मेट है इसमें आप लिखेंगे हैश, उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए बी या एफ। फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर आपको चलाना है तो एफ लिखिए, बैकवर्ड डायरेक्शन अगर आपको चलाना है तो आप बी लिखिए। उसके बाद आप डिले देंगे, डिले आपका 4 बिट का डिले आप देंगे जो आपके 4 बिट का करेक्टर होगा। आप यहां पे लिख सकते हैं हैश देन डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन के लिए मैं फॉरवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं एफ, ऐसे ही बैकवर्ड अगर आपको करना है तो आप बी लिख सकते हैं। इसके बाद 4 बिट का आपको करेक्टर लिखना है, दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 0000 to 9000, जो आपके डिले को डिफाइन करेगा। अभी डिले जैसे मैंने 10 एज्यूम कर लिया, तो 0 0 0 1 1 0 स्टार। अब इसमें जो सिम लगी हुई है उस सिम पे आप इस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे, सेंड ये SMS आपका सेंड हो रहा है। जैसे ही आपका SMS रिसीव होगा यहाँ पे आपको डायरेक्शन और जितना डिले आपने सिलेक्ट किया वो डिले आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी आप देख सकते हैं डायरेक्शन आपने एफ भेजी थी, डिले आपने 10 मिलीसेकंड का भेजा था, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है विथ 10 मिलीसेकंड डिले। सिमिलरली अगर आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाना है तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लिखेंगे आप लिखेंगे हैश बी 0010 10 मिलीसेकंड और बैकवर्ड डायरेक्शन। अभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, अभी हम बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको चलाएंगे। मैसेज आपका सेंड हो गया, अब आप देख सकते हैं डायरेक्शन बैकवर्ड और स्टेपर मोटर अब आपकी दूसरे डायरेक्शन में चल रही है। इस तरह से आप वेरिंग डायरेक्शन बी एफ भेज के या डिले भेज के आप मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं एज वेल एज डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज हाउ दिस प्रोजेक्ट विल वर्क।